वो तो उनसे पूछो, उन्होंने क्यों छोड़ी है, कांग्रेस तो करेगी सबकी इकट्ठी घोषणा करेगी और शायद 11 तारीख को मीटिंग फिक्स है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसके बाद ही फैसला। रोहतक पे खासतौर पर बीजेपी का खास ध्यान है, मतलब मुझे कह रहे हैं हर कोई जिससे कहोगी दीपेंद्र को हराएंगे, कल भी आगे मंत्री कह रहे हैं कि दीपेंद्र को 2 लाख से हराएंगे, कहेंगे इस तरह की बातें हैं। बस मुंगेरी लाल के सपने देखते नहीं, बाकी जितेंद्र दीपेंद्र पहले से भी ज़्यादा मार्जिन देता है, जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, जो लोगों की भावना है, तो मेरे को लगता है पहले से ज़्यादा मार्जिन। तो क्या इश्यूज क्या है जो आप पब्लिक के बीच लेके जा रहे हैं, इश्यूज सारे इश्यूज जो फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस सरकार की विफलता है और जो हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की उसकी सफलता है, और जो मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस ने आगे का जो उद्देश्य तय किया है वो जो मैनिफेस्टो जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो प्रावधान किया है कि 5 करोड़ परिवार मतलब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का बात करेंगे, जिसका 72,000 रुपये 1 गरीब परिवार को सालाना मिलेगा, ताकि उनकी परचेसिंग पावर बढ़े और खुशहाली बढ़े। इसी प्रकार से किसान के लिए किसान को उचित भाव मिले, स्वामीनाथन लागू करेंगे और किसान को कर्जे में जो डूबा हुआ है उसको कर्जा मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। वैसे आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह गठबंधन की चर्चा चल रही है, हरियाणा में भी कह रहे हैं कि हरियाणा में गठबंधन होगा, तो आप क्या रहे? जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम है, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई समझौता होता है तो उसका इम्पैक्ट हर प्रदेश में पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की जो याचिका है वो तो कह रही है कि हमारे बिना हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, तो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ तो देवेंद्र भी आ रहे हैं। और आपको भी बता दिया गया है अखबारों की खबरें? नहीं नहीं, और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं वो। हाँ तो अखबारों में वापरी कुछ तो कहेंगे, अगर ये कहें हमारे पास कुछ है ही नहीं तो किस कौन बात करेगा, कुछ नहीं अभी कोई मतलब कोई ऐसी इसमें वो नहीं है, इस बात नहीं है। अच्छा, एक आपका भी चुनाव लड़ने के बाद चर्चा है कि सोनीपत से आप चुनाव लड़ते हो, तो क्या इस लड़ पर कोई बातचीत हुई है या आप कितने उसको? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन पार्टी फैसला करेगी तो चुनाव लड़ूँगा।